अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम शरियार है और आप लोग देख रहे हैं लबट कराची। और अभी हम लोग उसी वीडियो का दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं जो फोन जावा के ऊपर है। तो लबट का जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है। अगर किसी भाई को हमसे रब्ता करना है, थेरेपी की वीडियो बनवानी है, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप लोगों को रब्ता करना है तो वहीं से कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दानी सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जावा आपका कौन कौन से, एक बार फिर से बताएगा आप हमें। सर जावा मेरे पास लगी हुई है, फोन जावा है, सिल्वर जावा है, वाइट जावा है और ओपल जावा है। ये चार किस्म की जावा लगाई हुई है हमने। तो सर आपके चार किस्म की जावा है, तो आपको लिए हुए जावा लिए हुए कितने साल हो गए? जावा मैंने पिछले सीजन में एंड में बिल्कुल ली थी, तो पिछले सीजन में मेरे पास सिर्फ फ़ोन का रिजल्ट अच्छा आया था, बाकी किसी और जावा का नहीं आया। इस बार अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी बेहतरी आई है जावा में। बाकी गोल्डियन के कुछ पेयर लगे हुए मेरे पास, येलो में, ग्रीन में, और डायमंड पाइट डब लगा हुआ है, रेड पाइट डब लगा हुआ है। तो उनकी प्राइसिस चल रही है डब की और जावा की? जावा की तो इस टाइम पे मार्केट बहुत हाई हुई है, आपको भी पता है फ़ोन जावा इस टाइम पे ग्रेटर पेयर तो मिल ही नहीं रहा। अगर किसी के पास मौजूद भी हैं तो फर्स्ट ग्रेड वाले तकरीबन 35,000 रुपये तक के हैं, और कोई ग्रेटर पेयर तो 40,000 रुपये का भी कोई नहीं दे रहा जी। आपके पास कितने जावा भी टोटल डब मिला के? मेरे पास भी फोन जावा तकरीबन 5 पेयर लगे हुए हैं, ओपल 2 पेयर लगे हैं, और बाकी वाइट सिल्वर कम कम ही लगाए हुए मैंने, क्योंकि मेरा तो मेन फोकस असल में लबट पे था। और जो फिंच है वो भी रखी है आपने? फिंचे भी मेरे पास तकरीबन 7-8 पेयर गोल्डियन के लगे हुए। तो चले आप सेटअप विजिट कराए फिंचों का और जावा का। फिंचे असल में मेरे पास मोटेशन में लगी हुई थी, यूरो में बेंगलाइज की मोटिशन है थी, मगर फिंच का जो अभी बुरा हाल हुआ, तो ये देखें आप, ये दिखाएं इधर पे, मैंने सारे पेयर जो ना वन बाई वन लगाए हुए थे और मैंने सब कॉलोनी में डाल दिए। ये देखें ये फिंचों का जो हाल हुआ ना अभी, ये तो सारी ये मोटिशन है फिंच, तो मैंने जो ना ये सारे वन बाई वन पेयरिंग करी हुई है सारी, लबट की भी और फिंचों की भी। तो मैंने जो है ये सारे पेयर उठा के सब कॉलोनी में डाल दिए, मेरा ब्रीड ही नहीं लेनी इनकी। दाना पानी तो करना है, मगर एक केज में हमें आसानी होती है, 20 पेयरों को करने में दाना पानी वक्त लगता है, तो हमने अपना वक्त बचा लिया। तो आप विजिट कराया हमें जावा का सेटअप पूरा? विजिट करा था। जो है जेब्रा में और बेंगलाइज में मोटेशन हैं, आप ऑरेंज वगैरह की स्प्रिटिनो भी हैं ये सारे, सही है। तो ये ब्रीडर पेयर है, अगर किसी भाई को चाहिए, कोई लेना चाहता है, तो ये भी मौजूद हैं, मिल जाएंगे। ये देखें ऊपर वाला, ये देखें ये भी जेब्रा का है पेयर है, मोटेशन में ये तक चाहिए। ये वाला देखें, ये स्प्रिटिनो है, एक जिटेनो है और एक स्प्रिटिनो है, सही ना, बेंगलाइज में। तो ये पेयर भी मेरे को मौजूद है, ये ब्रीडर पेयर है, मुझे अगर कोई भाई आएगा लेने तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह अच्छे पैसों में। और अगर कोई ज़्यादा पेयर लेना चाहे क्या और कोई? अगर कोई ज़्यादा पेयर लेना चाहेगा तो इंशाल्लाह उसके लिए भी देख लेंगे, गुंजाइश जो होगी वो कर देंगे भाई को, जो भाई आएगा उसको इंशाल्लाह शेरियार भाई के तवसुफ से जो भी आएगा वीडियो में इंशाल्लाह उसको अच्छे रेटों में माल देंगे। हालांकि 12,000 रुपये जो मैंने रेट आएंगे डीएनए के साथ कहें, डीएनए के साथ 12-13,000 रुपये बगैर डीएनए के रेट चल रहे, मगर मैंने 12,000 रुपये डीएनए के साथ सिर्फ शेरियार भाई के तवसुफ से जो आएगा उसे 12,000 रुपये में देंगे डीएनए के साथ, वरना डीएनए के साथ जो है हम 13,000 रुपये का देते हैं। और ये देखें यहाँ पे, ये जो है हमारा जावा का और फिंच का सेटअप है एक छोटा सा, और ये देखें ये माशाल्लाह फोन जावा का पेयर है, ये माशाल्लाह 3 इंची हो रहे हैं, और अभी ये पेल अंडा दोबारा देखें माशाल्लाह बैठेगा एक पेयर, ये रहा माशाल्लाह हमारा फोन जावा का, ये ठीक है जी जी, अंडे भी हैं और चिक भी हैं, ठीक है चिक होना स्टार्ट हो गई है। ये माशाल्लाह ये भी फोन जावा का पेयर है, ये 4 बच्चे, ये थे दो नीचे बैठे हुए, ये थे दाने के पॉट में माशाल्लाह दाना खा रहे, और दो हो रहे और माँ बाप ये थे उनके, सही सर। और कुछ पेयर हमारे इधर पे भी लगे हुए हैं, जैसे ये देखेंगे पट्टे भी हैं और
ये बिल्कुल समझ लेंगे तैयार फर्स्ट ग्रेड के पट्टे। ये कौन जावा के पट्टे है हमारे पास फर्स्ट ग्रेड के, जो ब्रीड फर्स्ट ब्रीड करेंगे देखें कलर वगैरह बिल्कुल वाश हो चुके हैं, मोल्ड क्लियर कर चुके हैं अपना ये बराबर। और गोल्डियन के पट्टे हैं ये, हमें जो ये जो है ओपल जावा का पेयर लगा हुआ है हमारे पास, ये गोल्डियन के, इनमें भी कुछ बच्चे बैंक लाइट के नीचे पोस्टर करे हुए थे, ये देखें ये तीन बच्चे हैं उसमें गोल्डियन के। और ये येलो सीरीज के बच्चे हैं, ये लुटिनो में, लुटिनो में आएंगे ये। तो सर इनकी प्राइस कितनी होंगी इनकी लुटिनो जो है? इसका जो पेयर चल रहा है लुटिनो का वो तकरीबन अच्छा पेयर जो चल रहा है वो 18 से 20,000 रुपये का है, सेट की जो डिमांड होगी वो आएंगे भाई कोई अगर लेने तो इंशाल्लाह देख लेंगे, मुनासिब पैसों में दे देंगे उसको, आपके रेफरेंस से जो आएगा उसको अच्छा है मुनासिब पैसों में देंगे। ये भी देखें गोल्डियन का पेयर है, ये भी लुटिनो का है, लुटिनो इंटू इसका लगा हुआ ये ग्रीन का ना, ये पोस्टर हुआ भाई तो जावा का पेयर लगा हुआ है, माशाल्लाह इसमें मौजूद है। अच्छा ज्यादा बच्चे कौन पालते हैं जो होते हैं जावा में? जावा तो तकरीबन सारे अपने बच्चे पाल लेता माशाल्लाह, ये देखें इसमें भी चार सिंह मौजूद है, वो जो अंडा पड़ा हुआ वो खराब है इसका, ये जावा के ठीक है, ये माशाल्लाह इसी पेयर से जो मैंने सेपरेट कर दिए थे, ये गोल्डियन का पेयर लगा हुआ है। तो जो चिक्स है वो सेल करने या भी रखने? ये चिक कुछ रोकने हैं कुछ सेल करने हैं, ये देखें तो ये देखें माशाल्लाह पोस्टर, ये अलहमदिल्ला देखें गोल्डियन के बच्चे हैं ये, इसमें भी अंडे इनके पोस्टर करे हुए, ये माशाल्लाह देखें इसमें भी जो ना ये गोल्डियन के बच्चे एक्चुअली स्टार्ट हो गई है देखें, ये गोल्डियन के बच्चों की जो ना एक अलग ही अपनी शनाख्त है, इनके जो है तीन डोर जो माशाल्लाह खूबसूरत से बने रहे होते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ये ऊपर है इनके? हाँ ये किसी में अंडे हैं किसी में बच्चे हैं, अब वो ऊपर की तरफ है, ये देखें इधर पे भी है सिल्वर वाइट जावा का पेल लगा हुआ है देखें माशाल्लाह, इसमें भी जो है तीन पट्टे हैं इनके, ये सेल की तरफ है जी, कोई भाई आएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल दे देंगे। ये गोल्डियन है ये देखें माशाल्लाह इसके अंडे पोस्टर कर दिए थे, अब ये दोबारा लेंस पे आ गए ये तीन अंडे, कॉमन गोल्डियन है ये ग्रीन कलर में, ये भी देखें ये भी कुछ पट्टे हैं गोल्डियन के हैं कुछ बेंगलाइज के हैं। इनकी उम्र क्या होंगी? इनकी उम्र ये है कि सेल हुए में 3 महीने की हो गई होगी तकरीबन। इनकी उम्र तो कम से कम कितनी होती है इनके जावा की और फिंच की? जावा जो है ब्रीड तो देखें जल्दी भी कर देते हैं अगर अच्छी डाइट वगैरह दी जाए अच्छी, तो वैसे इनकी उम्र तकरीबन 10 महीने के करीब में ब्रीड करता है जावा। ये देखें ये गोल्डियन का पेल लगा हुआ, इनके अंडे में मैंने पहले पोस्टर कर दिया था, अभी माशाल्लाह देखें दोबारा ये दो एक आ चुके हैं इनके। उसकी कम से कम प्राइस क्या होगी? जो इसकी प्राइस जो है तकरीबन मैं बता रहा हूँ 16,000 रुपये के करीब है, इसमें भी माशाल्लाह देखें गोल्डियन का पेयर लगा हुआ है, तीन अंडे आए हैं वो लेकिन है, ये जो है ग्रीन टॉलीवुड की फीमेल है ये देखें माशाल्लाह, इसमें भी ये पेयर है और इसमें भी पेयर ये 4 से तकरीबन 6, 7, 8 तक ऊपर भी चले जाते हैं, बहुत अच्छे जो नस्ली प्यार होते हैं उनमें। ये देखें ये जो है शार्प टेल का प्यार है, ये भी प्यार ब्रीडिंग चल रही थी। हाँ ये भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। कितना इसको महीना होगा रखे आपके पास? इसका मेरे हो गए तकरीबन ये मेरा पट्टों और पट्टे लिए थे मैंने, अब माशाल्लाह सेल्फ होगा, सेल्फ हुए जी ने जो है 3 महीने होगा। अच्छा अभी तक इसकी ब्रीड नहीं है मेरे पास। सर इनको आप क्या क्या खिलाते हैं? जो जावा हैं सारे जी जी क्या खिलाते हैं इनको आप? इनको हम जो है दाना देते हैं, इनका हमारा दाने का एक अपना इशू है वो बनाते हैं, और बाकी मिनरल कैल्शियम वगैरह जो भी होते हैं वो चला रहे होते हैं, जो भी हमसे सेल परचेस करता है हम उसे ज़रूर गाइड करते हैं कि किसको किस टाइम पर क्या चीज़ चलानी है, तो और उसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी परेशानी आए कोई मुश्किल आए या जो भी है अगर वो हमसे रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह उन्हें जरूर गाइड करेंगे। और ये जो ये रखे हुए क्या है? डफ है ये? डफ लगी हुई है ये पेयर हो रही है? ये पेयर है जी बिल्कुल, वो देखें एक देखे बैठे हुए हूँ
अक्सर ये दो अंडे देते हैं मगर इसमें माशाल्लाह तीन अंडे दे जो बैठे हैं। माशाल्लाह रेड पाइट की जो है ना इसमें फीमेल है जी। और डायमंड पाइट का मेल लगा हुआ है। ये देखेंगे नीचे माशाल्लाह ये भी डायमंड पाइट है और ये जो है इनका बच्चा माशाल्लाह भी कूदा है वो दोबारा अंडे देके माशाल्लाह वहाँ बैठी है। ये कौन सा बच्चा है? ये भी देखें अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए वैसे रेड पाइट लग रहा है ये क्योंकि इसकी जो फीमेल है ना वो रेड पाइट है और वो जो है वो भी स्प्रेड है एक ये लगा हुआ है ये भी वही है ये भी डायमंड पाइट है वो देखो वो भी अंडे देगा अंडे देके बैठा मैं माशाल्लाह ये भी अभी दाना पानी खाने अगर कोई ब्रीडर लेना चाहे तो सही है या गलत है? ब्रीडर पेयर मैं नहीं समझता कि न्यू फैंसियर को लेना चाहिए उसकी दो रीजन होती है उसकी वजह ये है कि मेरा अपना ब्रीडर पेयर चलता हुआ मैं क्यों बेचूंगा सबसे पहली वजह बेचूंगा तो या तो इसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा या तो ब्रीड अच्छी नहीं कर रहा या कोई ना कोई मसला होगा। ब्रीडर पेयर बेचने की सिर्फ दो वजूहत होती हैं या तो वो सही अच्छी ब्रीडिंग कर रहा है या दूसरी के हमें आगे अपग्रेड करना होता है कैच खाली चाहिए होता है तो मगर चलते हुए सीजन में कोई भी अपग्रेड नहीं करता ठीक है ना ये आप सबों को पता है। उसके बाद भी जो ना लोग ब्रीडर पेयर लेने की करते हैं उसकी वजह ये होती है कि उनसे सफा नहीं होता वो कहते हैं आज हम पेयर लेके जाए कल हम बॉक्स खोल के देखें तो उसमें से अंडे आ जाए तो सर आप तो बच्चे आ जाए जो सर आपने इसमें तो कौन सा पेयर लिया था पहले या सारे एक साथ लिए थे आपने? नहीं ये हल्के हल्के लेते रहे कुछ पेयर हमारे अपने यहाँ के भी बढ़ाए में हमने जैसे कि हमारे पास अच्छी गाय थे वो हमने रोक लिए थे फिर वो नेक्स्ट टाइम में हमने उनको तो फिर ये वाले जो पेयर है ये हमारे यहाँ का ये दोनों चीज हमारे ही से सही। तो भाई बहन लगाने में कोई मसला होता है लव बर्ड्स में या किसी भी हॉबी में? कोशिश करेंगे ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है मगर बहुत से ब्रीडर लगा भी देते हैं कोई इसमें ये नहीं समझते मगर ब्रेड लाइन वीक होती है वो लगाने से। तो और सर जो कॉलोनी में होते हैं उनमें तो लग जाते खुद ही मेरे ख्याल में कॉलोनी में तो सब कुछ हो जाता है सब कॉलोनी इसीलिए जो है रेकमेंड नहीं है उसमें पता ही नहीं चलता कौन सा बच्चा किसका है और कौन सा किसका नहीं है किसको किसके साथ लगाए किसके साथ ना लगाए। अच्छा जो बड़े जो फैंसियर है वो सारे केज में रखते हैं कैसा क्यों? असल में वन बाय वन में पता चलता है ना इसने कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है ये ब्रीड कैसी कर रहा है ये बच्चे अपने कैसे पाल रहा है। अब अगर हम एक साथ कॉलोनी में रखते हैं तो उसमें जो ना आप बहुत मुश्किल हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे कि कौन सा पेयर किसका है। अब जब मोटिवेशन बंदा रखता है ना कोई भी तो उसको लाजमी वन बाय वन में रखना है क्योंकि वो अगर पेयर वहाँ से टूट जाए कहीं और बन जाए हम उसके पे वो गलत जाए नहीं होगी हम समझे बच्चे पहले पहलोगे निकल ले वो गेंद पिछड़ के तो इसलिए वन बाय वन को इसलिए रेकमेंड करते हैं। और ब्रीड भी वन बाय वन में सबसे अच्छी आती है चाहे वो लबर्ड हो जावा हो या गोल्डियन हो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है मैं उसकी आप पे बात कर रहा हूँ कि कल जो ना लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने शुरू हुए हैं नहीं जी मेरे पास तो आ रही है तो जिसके पास जो जैसी ब्रीड आ रही है बहुत अच्छी बात है अल्लाह पाक आपके ब्रीड में बरकत दे मगर एक अपने अपने एक्सपीरियंस की बात होती है मैं वो कर रहा हूँ। तो सर आपका जावा का सेटअप देखा था न्यू फैंसियर उनके बारे में बताया जावा लेना चाहते हैं या लबर्स लेना चाहते हैं और दाने के बारे में बताएं आप। जावा के लिए तो माशाल्लाह बहुत जावा की इस टाइम पे वैल्यू अच्छी हुई हुई है तो जावा लगाएं सारी चीज़ें लगाएं एक एक दो दो पेयर लगाएं अपने पास मगर लगाएं तमाम सारी चीज़ें तो उससे ये बेनिफिट होता है कि कभी कोई चीज़ अप होती है कभी कोई चीज़ डाउन होती है तो आपको जो ना आपके सेटअप पे नज़रअंदाज नहीं होगा आपने एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं अभी जैसे पिंच का हल हुआ है तो आप तो बिल्कुल ही बैठे आएंगे लेट ही आएंगे अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं होगी। अब हमारे पास भी पिंचें लगी हुई थी मगर हमारे को कोई इतना परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमारे पास लबर्ड है जावा है फिर गोल्डियन लगी हुई है तो हमारे को उसने सपोर्ट कर दिया। और जो न्यू फैंसियर दाना जो बताया दाना का क्या हिसाब है? दाना जो आम नॉर्मल चलता है वही चलाएं भाई किसी और जो ना ज़्यादा उसमें पड़ेंगे तो और ज़्यादा मसले मसाइल में उलझते रहेंगे तो जो सीधा सीधा काम चल रहा है वो चलाते रहो बाकी ब्रीड नसीब की आती है अल्लाह पाक बरकत दे सबों के काम में। बाकी अगर घुमाने के लिए तो फिर वो सब ये कर रहे होते हैं मैं ये करता हूँ तो ऐसा होता है मैं ये करता हूँ तो ऐसा होता है मेरी अपनी नज़र में कोई ऐसा कुछ नहीं है। और अपना लोकेशन कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। मेरी लोकेशन लियाकताबाद कराची की है मोबाइल नंबर 031326231245। और कोई ऑफर है जावा में लबर्ड्स में?
जो ऑफर थी वो सारी दे दी है। अब अगर कोई बुकिंग कराएगा तो उसमें कोई ऑफर मिल निकाल देंगे उसके लिए। अगर कोई बुकिंग पे जाता है हमारे साथ तो इंशाल्लाह उसमें उसे डिस्काउंट दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।